हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं हूँ आज यहाँ बीकानेर राजस्थान में कंपनी की तरफ से आया हूँ। सो यहाँ पे आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बैटल बिटवीन टू मशीन्स मोटर ग्रेडर्स। एंड मेरी कंपनी का जो ग्रेडर है वो है ल्यूगोंग 4180D। एंड जो उसके डिफेंड में सामने वाला है वो है कैट 120K। तो जैसा कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने डंपिंग करवाई है। ये 6 लेन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो डंपिंग करवाई है। और अब देखते हैं कौन सा ग्रेडर कितनी देर में कितनी डंपिंग तोड़ता है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, ये डंपिंग करवाई गई है ट्रैक्टर से। और वो रहा कैट का ग्रेडर, सामने कैट के पीछे ल्यूगोंग है और आधी डंपिंग ये करवाई गई है इस साइड पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे दोनों ग्रेडर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आगे है कैट और पीछे है ल्यूगोंग, अपनी अपनी साइड दोनों काम कर रहे हैं। और एक ख़ास बात, यहाँ पे जो राजस्थान की सैंड है ये बहुत ही लूज सैंड है, सो यहाँ पे हर कोई मशीन कामयाब नहीं है, इसीलिए ये दोनों टॉप क्लास की मशीन्स हैं। देखते हैं कौन चलती है कौन नहीं चलती यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये सैंड बहुत लूज है, तो और सूखी सैंड है ये, तो मशीन यहाँ धस जाती है। अगर फंस गई तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे मशीन चलती कम है और फंसती ज़्यादा है, उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लूज सैंड है और बंदा पैर भी रखे, अगर नॉर्मल आदमी भी चले तो उसके पैर भी धस जाते हैं इसमें, तो मशीन का वज़न तो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे कि हर कोई मशीन यहाँ कामयाब नहीं है। तो देखते हैं अब कौन सी मशीन चलती है कौन सी मशीन फंसती है। जैसे कि ये डंपिंग हो रखी है, इधर मैं पैर रखूँगा तो ये देख नॉर्मल, ये देख लूज सैंड की वजह से ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे। तो इन दो मशीनों के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर है आज, बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है ये। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। अभी तक तो एक ही राउंड लगाया है दोनों ने, अब तक तो दोनों सही चल रहे हैं, बाकी देखते हैं धीरे धीरे कौन कितना करके देता है। जबकि इनके प्राइस में भी बहुत डिफरेंस है, वो मैं रिवील नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं क्या रहते हैं रिजल्ट्स। कैन सी दैट कैट की जो ब्लेड है वो हमारे ल्यूगोंग के ग्रेडर से, हमारे ग्रेडर की ब्लेड से छोटी है, कर्व में भी छोटी है और लेंथ में भी। तो इससे भी मशीन पे जो लोड पड़ता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है उसकी प्रोडक्टिविटी, स्पीड, पावर में। प्लस कैट का जो ट्रांसमिशन है वो मैनुअल है, क्लच है उसमें, और हमारी मशीन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है विद 6 स्पीड फॉरवर्ड गियर एंड 3 गियर रिवर्स। तो इसमें ब्लेड पे जो लोड पड़ रहा है वो देख सकते हैं, कैट का हमने देख लिया, ये ल्यूगोंग का रहा,
पूरी ब्लेड बाहर निकाल के, कितनी मिट्टी लेके साथ में चल रही है हम देख सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूँ, कैट की जो मशीन है वो हमारे लिए गाँव की मशीन महंगी है, बट स्टिल प्रोडक्टिविटी के मामले में लुगोंग ज़्यादा नहीं तो 95% तो कैट के बराबर का मुकाबला देती है, उसको बराबर टक्कर देती है। पूरा एक घंटा हो चुका है जब से बैटल शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं किसको कितना एरिया स्टिल बाकी है डंपिंग तोड़ने के लिए। ये रही टो साइड लिगोंग की और ये साइड है कैट की। इसमें आप कैट की ब्लेड पे जो लोड आ रहा है वो देख सकते हैं कितनी मिट्टी ये लेके जा रही है। और ये इसमें हम लुगोंग की ब्लेड पे जो लोड आ रहा है वो देख सकते हैं। अभी हम करंट पोजीशन देख सकते हैं, कैट सिर्फ अभी डंपिंग ही तोड़ रहा है। देखिए अभी इसको डंपिंग तोड़ना बाकी है। और अगर इस साइड देखें तो लुगोंग डंपिंग तोड़ चुका है अपनी, प्लस बेड बनाना भी शुरू कर दिया है, अब लेवलिंग कर रहा है। और यहाँ पे जीत की ओर लुगोंग सिर्फ एक साइड की टो की डंपिंग बची है और कैट को भी कम से कम 3 राउंड और लगाने पड़ेंगे। सो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अभी आज की बैटल में लुगोंग 4180D जीत चुका है, देख सकते हैं सारी डंपिंग तोड़ दी इसने, लेवलिंग कर दी, अंडुलेशन ख़त्म कर रहा है। और इस साइड अगर हम कैट पे आ जाएँ तो कैट के भी टो साइड की डंपिंग थोड़ी सी रहती है, ये भी लेवलिंग कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये मशीन की परफॉर्मेंस। मशीन बेशक दोनों मशीनों में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ऑपरेटर्स पे, ऑपरेटर मशीन को कितना जानता है, काम करने का तरीका कैसा है। तो आज के विजेता हैं लुगोंग 4180D। सो अब यहाँ फाइनल हो चुका है, आप देख सकते हैं ये वाला जो बेड है, इस साइड का जो बेड है ये लुगोंग ने तैयार किया है। और वो वाला सारा कैट तैयार कर रहा है। और लुगोंग अपना बेड एंड टो एंड एवरीथिंग सब कुछ ख़त्म कर चुका है, देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 99% को ख़त्म कर चुका है, ये बना चुका है। इसकी आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं, ये लुगोंग की फिनिशिंग है, जबकि इस पर 2-3 बार ब्लेड चला चुका। अगर काम की बात की जाए तो जो फिनिशिंग आई है वो कैट के ग्रेडर की बढ़िया फिनिशिंग है, आप देख सकते हैं कैट के ग्रेडर का बनाया गया जो बेड है जो तैयार है एकदम लेवल पर है, और लुगोंग के ग्रेडर का बीच में अंडुलेशन है। तो इसमें मशीन का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें फ़र्क आ जाता है ऑपरेटर का।
काम करने का तरीका तो ऑपरेटर टू ऑपरेटर डिपेंड करता है, बाकी मशीन में कोई फॉल्ट नहीं है। मशीन में वैसे प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो ल्यूगोंग विनर है प्रोडक्टिविटी में। पूरे एक घंटे में इसने डंपिंग तोड़ के ये लेवलिंग करना शुरू कर दिया था, और तब तक जबकि ये कैट वाला जो है अभी डंपिंग ही तोड़ रहा था, और अभी स्टील इसकी थोड़ी डंपिंग रह जाती है टो साइड की, और अपने वाले इधर लिगों की ख़त्म है, इधर भी टो की हल्की सी रह जाती है। लेकिन मशीनों में कोई कमी नहीं है, मशीन का अगर कंपैरिजन करें तो लिगोंग इज़ द बेस्ट, आई प्रेफर लिगोंग बिकॉज कॉस्ट का फैक्टर भी आ जाता है अभी। चलिए मैं कुछ आपको टेक्निकल कंपैरिजन बता देता हूँ लिगोंग और कैट 120 के बारे में। लिगोंग आता है हमारा एसी कैबिन के साथ, और इसमें इंजन है QSB 6.7 कमिंस, 6.7 लीटर का इंजन है। और अगर कैट की बात करें तो कैट में कैट का ही इंजन है जो कि आई थिंक 7 लीटर का इंजन है, और कैबिन इसका ओपन ही है जैसे आप देख सकते हैं। और साइज़ में अगर देखें तो इसके टैंडम भी छोटे हैं लिगोंग के कंपैरिजन, टैंडम जिसको बैलेंस बॉक्स भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ये चीज़ इस चीज़ को, इस दोनों टायर को जोड़ के रखता है। ये आई थिंक ये छोटे हैं हमारे, और इसकी ब्लेड का कर्व भी छोटा है इसे देख सकते हैं, ये कैट की ब्लेड है। और ये हमारी लिगोंग की ब्लेड है, आप देख सकते हैं इसका इसका कर्व देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली एट रिज़ल्ट मतलब हमारी जो लिगोंग की जो ब्लेड है ये ज़्यादा मटेरियल लेके चलती है, ज़्यादा मटेरियल लेके चलेगी इंस्टेड ऑफ कैट। और हमारी मशीन का जो वेट है वो 15 टन है विदाउट अटैचमेंट्स, और कैट का वेट आई थिंक 14 टन के आसपास है विदाउट अटैचमेंट, जबकि इसमें ये स्कैरिफायर भी लगा हुआ है। सो ये लिगोंग का इंटीरियर व्यू है कैबिन का, यहाँ पे आपको मिल जाता है ये MP3 FM सिस्टम AC, और ये इसके ऑपरेशन के लीवर्स। जैसे कि सबसे बड़ी बात ये ऑटोमेटिक है, इसके आगे ब्रेक, इसका एक्सेलरेटर पेडल, और ये इसके आगे ऑटोमेटिक गियर, फॉरवर्ड 6 गियर हैं और रिवर्स में 3 गियर हैं। जबकि कैट जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है क्लच के साथ, उसमें 8 गियर फॉरवर्ड हैं और 6 गियर रिवर्स में हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।